सॉलिड इन वाटर, सॉलिड इन वाटर हम लोग को पता है वी हैव लर्न दैट सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर. हम लोग को पता है सॉल्ट और शुगर एग्जांपल ऑफ सॉलिड है और उसको हम लोग लिक्विड मतलब पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है. दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल्स फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम बाइंडेड टू वाटर सी हाउ द कलर स्प्रेड इन स्पेस. इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल इन वाटर कैन बी नेम्ड द सब्सटेंस दैट आर इन सॉल्युबल इन वाटर. हो रहा है यहाँ पे शुगर और सॉल्ट जो होता है वो फॉर्म ऑफ सॉलिड है लेकिन उसको वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि इसके बीच में देखिए स्पेस है और इसके बीच में स्पेस नहीं है. अगर ये आएगा तो ये वाला स्पेस क्या कर लेगा कवर कर लेगा तो कवर कर लेगा तो क्या हो जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा. इसके हम लोग बोलते हैं कि कुछ सॉलिड जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर वाटर में. अब अगर सैंड का एग्जाम्पल लेंगे तो सैंड जो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. नाउ अल्कोहल इज अनदर लिक्विड दैट इज विजिबल इन वाटर. अल्कोहल जो है वो अनदर लिक्विड है जो वाटर में विजिबल होता है. किरोसिन हाउएवर कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर एंड इज कॉल्ड इनविजिबल. किरोसिन जो है वो जो पानी में मिक्स नहीं होता है इसीलिए हम लोग उसे इनविजिबल कहते हैं. हाउ यू सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट ऑफ हैंड इज हैंड यूजिंग रबर टाइम व्हाई डस ही यूज नॉट यूज वाटर. हम लोग को पता है कि जब पेंट करता है तो वो टर्पन टाइन यूज करके तो वो उस कलर को मतलब क्या करता है छुड़ाता है. तो वो वहां पे टर्पन टाइन टर्पन टाइन वाई क्यों यूज करता वाटर क्यों नहीं करता क्योंकि वाटर जो है वो वाई के साथ मिक्स नहीं होता इसलिए वो वहां पे टर्पन टर्पन टाइन वाई यूज करता है जिससे कि पेंट आसानी से छूट जाता है. नाउ गैसेस इन वाटर गैस लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन वाटर. गैस जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. हमको पता भी है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है गैसी है और ये दोनों गैस मिलकर क्या बनाया है वाटर बनाया है. गैस मिलकर ही क्या बनाया वाटर तो हम लोग बोलते हैं कि गैस जो है वो सॉल्युबल इन वाटर होता है. फिश एंड अदर एनिमल्स वाटर ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. फिश फीस जो पानी के अंदर रहते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए तो वो अंडर वाटर ऑक्सीजन जो होता है उसको ब्रीथ करके वो सर्वाइव करते हैं. वाटर इन द ओशियंस रिवर्स एंड लेक्स कंटेन्स डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. वाटर जो ओशियन रिवर में होता है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मात्रा होता है जिसको वो मतलब ब्रीथ करते हैं. फिशेस वगैरह जो पानी के अंदर रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग जब पानी बॉइल होता है तो फिर मतलब वहां पे क्या होता है बबल्स होते हैं. बबल्स होते हैं तो पानी है वो वाटर वेपर मतलब गैस बन के फिर वो ऊपर मतलब ऊपर चला जाता है. और जब पानी जब ऊपर चला जाता है गैस बन के हीटिंग करने के बाद उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इवापोरेशन. How are aerated drinks different from orange juice or limpoo pani? Aerated drinks जो है वो orange juice और limpoo पानी से अलग कैसे होते हैं? Gas that bubbles out of the aerated drink is carbon dioxide. Aerated drinks से जो gas निकलता है वो क्या होता है? Carbon dioxide. It is dissolved in water under great pressure और उसको water में dissolve किया जाता है by great pressure. Great pressure के बाद great pressure की वजह से उसको water में dissolve किया जाता है. Now heating and cooling. हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन मैटर. हीटिंग और कूलिंग क्या करता है मैटर में चेंजेस आता है. जैसे अगर हम लोहा को जलाते लोहा को गर्म करते हैं तो वो पिघल के फिर वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है. आता है ना लोहा को अगर बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो वो पिघलना शुरू कर देगा और पिघलेगा तो वो फ्लो पिघलेगा तो वो क्या फ्लो करने जाएगा तो वो वहां पे उसका मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्या हो गया कम हो गया और वो पिघलना शुरू कर देगा और फिर उसको कूल करेंगे तो फिर वो वापस अपने प्लेस पे चला आएगा. मतलब वहां पे चेंजेस होता है तो चेंजेस भी दो टाइप्स के होते हैं एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है. फिजिकल चेंज जो होता है वो क्या टेम्पररी चेंज होता है जो मतलब कुछ देर के लिए होता है फिर वो अपने वापस स्टेट ऑफ मैटर में चला आता है. जैसे वाटर जो है आइस में चेंज होता है बाई कूलिंग और फिर आइस को हीट करते तो फिर वो वाटर में चल जाता है. वाटर जो है वो वाटर टेम्पर में चेंज
सेलुलर है भाई हीटिंग और फिर वाटर वाटर वेपर को कूल करते तो फिर वो वाटर में चला जाता है सॉलिड बैग्स को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बैग्स में जाता है और फिर लिक्विड बैग्स को कूल करते हैं तो वो सॉलिड बैग्स में चला जाता है ये हुआ पार्ट ऑफ द फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस आर ओनली द स्टेट ऑफ मैटर जितना भी चेंजेस मैंने बताया वो सारे जो है वो फिजिकल चेंज है और वो मैटर के अकॉर्डिंग हो रहा है और टेम्पररी और इजीली रिवर्सिबल है टेम्पररी चेंजेस है पानी से आइस बना फिर आइस से पानी बन गया ये टेम्पररी चेंज है और रिवर्सिबल है नाउ अबाउट केमिकल चेंज इन अ केमिकल चेंज हीटिंग और कूलिंग रिजल्ट्स इन अ परमानेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इन केमिकल चेंज जो है उसमें हीटिंग और कूलिंग जो है वो परमानेंट चेंज कराता है जैसे मैं अगर हम लोग बोले कि एक बर्निंग ऑफ पेपर अगर कागज को जब जला देंगे तो वो फिर से वो सेम उसी तरह का कागज नहीं बन पाएगा इसलिए वहाँ पे वो जो चेंज है वो टेम्पररी नहीं वो परमानेंट चेंज हो गया और रिवर्सिबल और नॉट रिवर्सिबल हो गया परमानेंट चेंज हो गया और नॉट रिवर्सिबल हो गया और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टम और उसका जो रिजल्ट हुआ वो एस अगर कागज को जला के वहाँ पे एस बच गया तो वो वहाँ पे जो हुआ रिजल्ट भी क्या हो गया चेंज हो गया तो इसलिए हम लोग इसको केमिकल चेंज बोलते हैं देयर आर मेनी केमिकल चेंज विच कीप ऑन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी ऑल द टाइम और हम लोग बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंज हमेशा होते हैं सो द चैप्टर इज एंडेड रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड लर्न द All hard words and question answers, stay at home, stay healthy, stay safe.